हेलो एरीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं आपकी वीकली लव टैरो रीडिंग फ्रॉम 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर। कैसा रहेगा आपका ये आने वाला वीक इन दी मैटर्स ऑफ लव लाइफ एंड रिलेशनशिप? तो चलिए हम देखते हैं एरीज कि आपके इस वीक के लिए कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है कोर्ट हाउस एंड द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज़ दी मेच्योर्ड वुमेन। तो कोर्ट हाउस कार्ड इंडिकेट्स कि एरीज हो सकता है आपकी आपके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से कुछ इनडिसीजन चल रहा हो, आपका रिलेशनशिप एक किसी परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहा हो, या आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो अपने लव लाइफ में कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। आप किसी फेयर डिसीजन का वेट कर रहे हो, किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो। तो आई थिंक इस वीक आपके लिए कोई बहुत ही मेच्योर डिसीजन लेने वाला है। अगर आपका पार्टनर पहले बहुत ही इमेच्योर्ड और कंफ्यूज्ड एनर्जीज में था कि वो आपके लिए क्या डिसीजन ले, रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, आपके साथ कमिटमेंट चाहिए नहीं चाहिए, या आप ओवरऑल किसी जजमेंट या किसी रिलेशनशिप के लिए आप ओवरऑल किसी आउटकम का वेट कर रहे थे कि वो आपको प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे, वो आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, वो आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इस वीक आपके लिए एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन, बहुत ही मैच्योर ऑफर मुझे आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आपके लिए जो तीसरा कार्ड है, इट इज़ नाइट ऑफ कप्स, इट मीन्स कि जो पर्सन आपके लिए पहले बहुत इमेच्योर एनर्जीज में था, आपको कोई इस वीक नया लव ऑफर मिल सकता है, कोई बहुत ही मैच्योर लव ऑफर कोई आपको इस वीक दे सकता है, आपके साथ कोई एक न्यू बिगनिंग ले सकता है। जो लोग सिंगल्स हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में कोई बहुत ही मैच्योर्ड लव ऑफर आ रहा है, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपसे एज में बड़े हैं, वो आपसे एज में मैच्योर्ड हैं, या वो आपसे एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी मैच्योर्ड है। अगर एज में नहीं तो हो सकता है कि आप उनसे एज में बड़े हों, या आप उनसे काफ़ी मैच्योर्ड हो, या फिर कोई मैच्योर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई आपकी फैमिली में कोई लेडी है वो आपकी हेल्प करे इस रिलेशनशिप वाइज। बट आई सी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है इस वीक में, आपके लिए कोई लव ऑफर आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से कम्युनिकेशन में नहीं थे या आपके बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, सो डेफिनेटली इस वीक मुझे चीज़ों में काफ़ी सुधार होता हुआ दिख रहा है। इस वीक काफ़ी चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। एंड डेफिनेटली इस वीक आपका पार्टनर या तो आपको प्रपोज कर सकता है, आपकी आपको लव ऑफर दे सकता है, या फिर आपको सिंपली वो अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई जो सिंगल हैं, मे बी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, वो आपको अपना लव इस वीक एक्सप्रेस कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव द फोर्थ कार्ड फॉर यू। वी हैव हार्ट चक्रा कंपैशन। सो डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर का इन दी पास्ट अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो रहे थे, बिल्कुल भी वो दिल से नहीं सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप में वो फ़ायदा नुकसान देख रहे थे, या फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सो डेफिनेटली इस वीक आपके लिए कप्स का कार्ड है और यहाँ हार्ट चक्र का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लविंग जाने वाला है। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस वीक सारे डिसीजन जो है वो अपने हार्ट से लें, बहुत ही पीसफुली लें, और मे बी वो आपकी तरफ कंपैशन जो करें, अब वो आपको एक्सप्रेस करेंगी वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सो आई सी ये वीक आपके लिए काफ़ी हीलिंग एनर्जीज वाला और अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है इस वीक एरीज नेक्स्ट वीक लव लाइफ। ओके, वी हैव स्पिरिट हेवनली असिस्टेंट फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। यहाँ पे एंजल का साइन भी आया है आपके लिए। डेफिनेटली आई थिंक द स्पिरिट्स आर टेलिंग इट ये दे आर विथ यू ऑलवेज एंड दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। आप जो भी डिसीजन लेंगे या आपके पार्टनर जो भी डिसीजन लेंगे, वो आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं एरीज। सो डेफिनेटली इस वीक मुझे आपकी लव लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस, एंड दिस वीक लकी कलर फॉर यू इज़ ग्रीन। बाय।